स्वागत है जी थोड़ा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस विषय की ट्रेनिंग दे विच। अज दा साडा टॉपिक है स्क्रू जैक। अज असी स्क्रू जैक की बणतर अते उस दियां नुमेरिकल जो टर्म्स ने उन्हां दी स्टडी करते हाँ। सब तो पहला आप गल करते हाँ कि स्क्रू जैक की बणतर किस तरह होंदी है। स्क्रू जैक किसी भार नूं थोड़े समय लिए उपर या नीचे करन लिए आपां इनू वरतदे आं। जिवें आपां मोटर गड्डियां दे जो टायर बदलने होंदे आ जां कोई होर कम करना हुंदा है तां उत्थे जिहड़ा आपां उहनां नूं उपर चुकन लिए सिंपल मशीन या जंत्र वरतदे हाँ उस नूं स्क्रू जैक कहा जांदा है। इस दी बाडी है जो बेस बॉडी है वह मजबूत भारे ते कंपन रहित ढलमे लोहे दे बनी हुंदी है। कास्ट आयरन दी बनी हुंदी है, भारी हुंदी है क्योंकि उसने दबा सहना हुंदा है ते कंपन रहत रहना हुंदा है तां जो कम करदे समय कोई हादसा ना वापरे। बाडी दे उपर एक चूड़ीदार नट लगा हुंदा है ते इस नट दे विच मजबूत चूड़ीदार ते घूमण योग स्पिंडल फिट कीता हुंदा है। इस स्पिंडल नूं असी हैंडल दी मदद नाल घुमा सकते हाँ ते घुमाउण ते ही ये जिहड़ा स्पिंडल है ये उपर नीचे उठता है। तां इस स्पिंडल दे उपर टॉप ते एक जिहड़ी प्लेन कैप फिट कीती हुंदी है, बिल्कुल प्लेन हुंदी है वो, क्योंकि इस नूं असी किसी भार दे बिल्कुल थल्ले लगाउणा हुंदा है ते इस नूं प्लेन रख्या जांदा है तां जो किसी किस्म दा अनबैलेंसिंग ना होवे जिवें कि चित्र विच दिखाया गया है। इस चित्र विच दिखाया गया कि जिहड़ा इहदा बेस है वह स्ट्रोंग हुंदा है, चौड़ा हुंदा है क्योंकि बैलेंस बनाउणा हुंदा आपां ते बेस दे उपर एक चूड़ीदार नट बोल्ट है ते उहदे विच एक चूड़ीदार स्पिंडल है जो उपर हैंडल नाल घुमाया जांदा है अते हैंडल दी जिहड़ी बॉडी है उसदे उपर ही जिहड़ी आपां प्लेन कैप की गल कीती सी उह फिट कीती हुई है। सो जो आपां हैंडल नूं घुमाउंदे हाँ 360 डिग्री ते इहनूं मूव करदे हाँ तां इह जिहड़ा स्पिंडल है इह वी चूड़ीदार हुंदा है, इह उपर नीचे हुंदा है। हुण आपां इस दी नुमेरिकल वैल्यूज टर्म्स की गल करदे हाँ। इत्थे जो बल है वह स्पिंडल ते ही लगाया जांदा है। सो आपां कह दईए कि इनपुट जो बराबर इनपुट जो हुंदी है इहदे विच जां बल जो लगाया हुंदा है वह हुंदा है पी गुणा 2πL ते इस तरह कम जां आउटपुट जो हुंदी है वह भार गुणा पिच जिन्हों एच नाल लिखिया होया है। ये पिच है आ चीज़ कि जदों आपां हैंडल दा एक इस हैंडल नूं घुमाउंदे हाँ 360 डिग्री ते तां ये जिहड़ी चूड़ियां दी जो पिच है यही हाइट इहदी निर्धारित करदी है कि स्पिंडल किन्ना उपर गया है ते किन्ना डाउन गया है। हुण आपां गल करदे हाँ साधारण मशीन दे सिद्धांत अनुसार असी जानदे हाँ कि जिहड़ी इनपुट हुंदी है वह आउटपुट दे बराबर हुंदी है जां इत्थे कह लईए आपां पी गुणा 2πL बराबर होवेगा W गुणा H दे। और इहनूं आपां जे फरदर गां एक्सपैंड करिए तां W बटा पी बराबर होवेगा W गुणा H बटा 2πL। असी जानते हाँ कि कम बटा शक्ति जां बल और भार बटा बल जां कम ये साडा मकैनिकल एडवांटेज हुंदा है। सो इत्थे मकैनिकल एडवांटेज बराबर होवेगा W गुणा H बटा 2πL। इत्थे एक होर बड़ी इंट्रस्टिंग गल है कि इत्थे भी जो मकैनिकल एडवांटेज ते वेलोसिटी रेशियो हो बराबर हुंदे हन क्योंकि ना ही बल वल्लों कोई एक्सट्रा दूरी तय की जाती है ते ना ही भार वल्लों कोई होर एक्सट्रा दूरी तय हुंदी है। सो जेकर आपां कार्ज कुशलता पता करनी है तां उही सूत्र असी इत्थे लगावांगे कि आउटपुट बटा इनपुट गुणा 100 इहदी परसेंटेज कार्ज कुशलता आ जाएगी ते आउटपुट साडे कोले है W गुणा H जणी कि उठाया जाण वाला भार गुणा स्पिंडल दी हाइट जो उपर नीचे
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਗੁਣਾ 2πL ਗੁਣਾ 100। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਕਰੂ ਜੈਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਕਰੂ ਜੈਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।